यहाँ पे देखिए सेंसिंग हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है इसका टेल गेट ये ओपन हो गई, आपको कुछ भी नहीं करना है। यही फायदा होता है लग्जरियस गाड़ी में, जो अगर आप इतनी पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक हर चीज मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बंद करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे देखिए बटन प्लेस की गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप जो मेरे सामने गाड़ी देख रहे हैं ये एमजी की ग्लोस्टर है। क्या खास बात है इसमें, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलती है, क्यों ये खास है, एंड क्या इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है, क्या ऑफर्स होने वाली है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है एमजी की तरफ से आने वाली एमजी ग्लोस्टर। बेसिकली ये यूके बेस्ड ब्रिटिश कंपनी है जो कि अपनी जानी जाती है अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट के मामले में। तो उसका जो सबसे प्रीमियम सेगमेंट की जो कार आती है वो है ये एमजी ग्लोस्टर। ये कम्पीट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर को। तो अगर फीचर्स के मामला में देखा जाए तो ये फॉर्च्यूनर से कहीं ज्यादा आगे है, बट ये जो प्राइस ऑफर करती है ये आपको फॉर्च्यूनर के बराबर में है। तो आज मैं इसके पूरी डिटेल्स रिव्यू आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फीचर्स के मामले में ये गाड़ी हर एक गाड़ी को कम्पीट करके आगे जाती है। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, आपको भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अभी सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये इसका ब्लैक स्टॉर्म वेरिएंट है जो कि टॉप मॉडल में आती है। एंड इसके अलावा इसमें दो और वेरिएंट का ऑप्शन मिल जाती है जो कि शार्प एंड सेबी भी है। एंड इसमें आपको दो कलर ऑप्शन भी मिल जाती है इस वाली पार्टिकुलर मॉडल में। ये जो अभी आप सामने कलर देख रहे हैं ये मेटल ब्लैक कलर है। इसके अलावा इसमें एक और कलर आपको मिल जाती है जो कि मेटल एस का। 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में आती है। ये सामने आप मॉडल देख रहे हैं ये 4 व्हील ड्राइव वर्जन है और इसका टॉप मॉडल है। तो इसमें आपको 6 सीटर एंड 7 सीटर दोनों ही सीटिंग ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है। बात करूं इसकी डायमेंशन का तो इसमें आपको 4985 mm का लेंथ मिल जाती है, 1926 mm का विड्थ मिल जाती है। एंड हाइट की बात करूं तो इसमें आपको 1867 mm की हाइट मिल जाती है और इसका कर्व वेट है 2510 किलो का। तो फ्रंट से ये गाड़ी कुछ इस टाइप की देखने को लगती है। काफी बड़ा सा यहाँ पे बॉनेट आपको मिलता है। एंड आप एक बार देख सकते हैं डायमेंशन कितना लंबी एंड कितनी चौड़ी यहाँ पे आपको बॉनेट मिलती है। तो फ्रंट से कुछ गाड़ी इस टाइप से दिखने को लगती है। सामने में यहाँ पे आपको एमजी का बड़ा सा लोगो मिलेगा एंड उसी में आपको क्रोम फिनिश के साथ साथ यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में बहुत ही बड़ा सा एमजी का यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में मैश ग्रिल आपको मिलेगा जो कि एक स्पोर्टी लुक ऑफर कर रही है। एंड यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक फिनिश का बहुत ही अच्छा सा काम किया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ह्यूज बड़ा साइज का ग्रिल ऑफर कर रही है। एंड उसी के नीचे में यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगी एंड जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आप फ्रंट सेंसर भी आपको अवेलेबल है। एंड यहाँ पे इसका प्लेट देख सकते हैं रेड टोन में है। तो बेसिकली इस गाड़ी में ब्लैक एंड रेड टोन का बहुत ज्यादा काम किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप हेडलाइट में भी देख सकते हैं तो रेड इंसर्ट आपको जहां तक मिलेगा ये बेसिकली स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ये एल टाइप की आपको हेडलाइट मिलेगी। ये फुल्ली प्रोजेक्टेड एलईडी हेडलाइट सेटअप है। एंड एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल एलईडी टेक का यहाँ पे बेजिंग लिखा हुआ मिलेगा एंड इसी में आपको इनबिल्ट एलईडी डीआरएल लैंप भी आपको मिल जाएगी। एंड जस्ट उसके नीचे में यहाँ पे आपको एल शेप का एक अगेन पियानो ब्लैक फिनिश में एक पैटर्न आपको मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी मिलेगी जो कि अगेन हैलोजन में है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एयर इंटेक का कुछ वेंट्स बनी हुई है जो कि जो आपकी जो व्हील है टायर उसको कूल करती है हाई स्पीड में। हेडलाइट सेटअप की बात करो तो यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलाइट मिल जाती है विथ ऑटोमेटिक हेडलाइट यूनिट के साथ। एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग हेडलाइट का भी फीचर्स मिल जाती है। तो जिस साइड आप अगर आप स्टेयरिंग को टर्न करेंगे तो वहां पे जो आपका फॉग लैंप है वो ग्लो हो जाएगा ताकि जो रोड का विजिबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा दे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फॉलो मी हेडलैम्प का भी फीचर्स आपको मिल जाती है। देख सकते हैं द एडवांस ग्लोस्टर, इसलिए एमजी इसको एडवांस इसलिए कह रहा है कि इसमें एडास लेवल 1 का फीचर्स आती है तो इसीलिए इस गाड़ी को एडवांस ग्लोस्टर भी कहते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो बात करूं फ्रंट में तो यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड में आपको एडास का सेंसर मिल जाती है जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाती है। एंड आप यहाँ का बॉनेट का साइज देख सकते हैं काफी ह्यूज एंड काफी बड़ी लग रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइनिंग देख रहे हैं इसको और ज्यादा मस्कुलर बनाती है इस गाड़ी को। तो बहुत ही खूबसूरत लाइनिंग का यूज किया गया है यहाँ पे बॉनेट पे। तो बात करूं साइड प्रोफाइल में तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो क्लैडिंग के ऊपर में भी आपको एक सेंसर मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपको बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट को भी डिटेक्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एडास लेवल 1 का फीचर्स है तो ये बेसिकली आपको ब्लाइंड स्पॉट भी डिटेक्ट करती है। तो इसी के लिए यहाँ पे साइड में सेंसर भी अवेलेबल है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरा क्लाइडिंग है वो पूरा कैरी फॉरवर्ड हुआ है आगे की ओर। एंड उसी के साथ यहाँ पे टायर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मैसिव साइज का 255/55 R19 19 इंच की आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस एसयूवीज के लिए बनाया जाता है गुडियर के टायर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में एलॉयज का लुक आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एमजी की लोगो मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक कैलिपर में जो है वो रेड कलर का पेंटेड है, तो जो इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसका डुअल टोन कलर में इस गाड़ी का थीम बनाया गया है, रेड एंड ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन कर करके। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाओ तो इस फेंडर में कुछ आपको थोड़ा बहुत पैटर्न्स आपको दिखने को मिलेगी, जो कि अगेन थोड़ा सा मस्कुलर लुक प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे एक आपको ब्रिटिश लोगो मिलेगी विथ फ्लैग के साथ में। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो डुअल टोन कलर में आपको ORVM मिल जाती है विथ टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाती है ORVM के नीचे में। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको लोगो प्रोजेक्शन भी मिल जाएगी। तो जैसे आप डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का MG का लोगो आपको नीचे में आ जाएगी, जिससे आपको एंट्री एग्जिट लेते वक्त बहुत ही विजिबिलिटी आपको मिलेगी। नाइट में एंट्री एग्जिट आप आसान से ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे लॉक का भी फीचर्स आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप कीज लगा के लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं गाड़ी को। एंड यहाँ पे आप कुछ देखेंगे कुछ एक लाइनिंग पैटर्न बना हुआ है जो पूरी गाड़ी में आपको यहाँ से लेकर के पूरी हेडलाइट यूनिट तक मिलती है, जो कि इस गाड़ी को और ज्यादा मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 2-3 लाइन ये सब प्रोवाइड किया गया है, पूरी गाड़ी में आपको यहाँ तक मिलेगा, ए पिलर से लेकर के C पिलर तक में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ क्लैडिंग मिल जाएगी। तो रियर में भी आपको यहाँ पे सेंसर मिल जाती है। तो बेसिकली इस गाड़ी में हर एक जगह सेंसर का यूज किया गया है ताकि एक अच्छा आपको राइड प्रोवाइड कर सके। तो रियर में भी आपको यहाँ पे देखेंगे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे कुछ पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आपको कुछ पूरी विंडो का फ्रेम मिल जाती है। एंड बहुत ही मैसिव, बहुत ही ह्यूज साइज का आपको विंडो मिल जाएगी, जिससे जो बाहर की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। एंड कैबिन में लाइट भी बहुत ज्यादा एंटर होगी, जिससे आपकी कैबिन जो है लाइट ही रहेगी, डार्क नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे आपको साइड में साइड स्टेपर मिल जाती है, जिससे आपको एंट्री एग्जिट लेते वक्त बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा हाई है, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की आती है, तो एंट्री एग्जिट लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर रूफ रेल मिल जाती है, जो कि कंपनी फिटेड है एंड काफी अच्छा क्वालिटी का है। चलिए इसका रियर साइड में चल के देखते हैं। तो रियर में यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पॉइलर मिल जाती है। एंड उसी के साथ यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लाइट भी मिल जाती है, जो कि LED में है। अगेन यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाती है, रियर विंडशील्ड में वाइपर भी मिल जाती है आपको। एंड यहाँ पे रियर विंडशील्ड में डिफॉगर भी आपको अवेलेबल है। एंड यहाँ उसी के नीचे आपको MG का लोगो मिल जाती है। अगेन यहाँ पे डुअल टोन कलर के साथ में है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में क्रोम इंसर्ट के साथ है। अगेन यहाँ से थोड़ा सा आपको क्रोम मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरनेट इनसाइट का लोगो आपको मिल जाती है, जो कि लगभग MG के हर एक गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको डुअल स्प्लिट टेल लाइट मिल जाती है, जो कि फुल्ली LED सेटअप के साथ साथ है। काफी खूबसूरत L टाइप का आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ग्लोस्टर का बैजिंग भी मिल जाती है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे 4-wheel ड्राइव का बैजिंग मिल जाएगी। एंड उसी के नीचे यहाँ पे एडास का भी बैजिंग आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस गाड़ी में एडास लेवल 1 का फीचर्स आती है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको रियर साइड में भी पार्किंग सेंसर मिल जाती है। एंड उसी के नीचे यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो डुअल टोन कलर में ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में आपको रियर बम्पर भी मिल जाती है। एंड उसी के साथ यहाँ पे अगेन LED लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एग्जॉस्ट आपको मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है, तो उसी के हिसाब से देखते हुए यहाँ पे आपको 4 डिफ्यूजर भी मिलेगी यहाँ पे। एंड उसी के नीचे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी प्लेस है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लेस की गई है। यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम है 4 डिफ्यूजर के साथ में। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की MG की कीज मिल जाती है, जो कि अगेन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ साथ यहाँ पे क्रोम इंसर्ट का काम किया है डुअल टोन में। काफी प्रीमियम कीज आपको देखने को लगेगी। एंड सबसे जो खास बात है ना उसके रियर साइड में, मैं इसलिए स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया कि ये किस लिए खास है, इसमें इतना ज्यादा फीचर्स है जो कि आपको फॉर्च्यूनर में कभी भी नहीं मिलती है। तो वही फीचर्स मैं आज आपको दिखाता हूँ जो इसके खास बात में है। ये देखिए कैसे, अगर आपके पास कीज है, जो इसका खास बात है ना, टेल गेट ओपन करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको जस्ट अपने पैर से, यहाँ से सेंसर लगी हुई रहती है, यहाँ पे देखिए सेंसिंग हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है इसका टेल गेट ये ओपन हो गई, आपको कुछ भी नहीं करना है। यही फायदा होता है लग्जरियस गाड़ी में, जो अगर आप इतनी पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक हर चीज मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बंद करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे देखिए बटन प्लेस की गई, यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बंद करने के लिए आपको सिंपल ये बटन को प्रेस कर देना है और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक जो इसका टेल गेट है वो क्लोज हो गया है। और आप इसको की से भी ओपन कर सकते हैं, आपको सिंपल ये कीज को प्रेस करके रखना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो है ओपन हो गया। तो अगर आपके हाथ में लगेज वगैरह है तो आप दूर से ही गाड़ी का जो टेल गेट है उसको आप ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ से ही आप क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप सिर्फ कीज के मदद से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को मैनुअली तरीके से टेल गेट ओपन करने का आदत हो तो आप यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे देखिए कुछ ग्रैब के लिए कुछ यहाँ पे जगह प्रोवाइड की गई है, तो आप इसके थ्रू भी आप यहाँ से टेल गेट को मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको कुछ बटन प्रोवाइड है जिसके कारण आप क्या है ऑटोमेटिक टेलगेट को ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही तरीके से आप टेलगेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो बात करूं इसके अंदर की बूट स्पेस का, तो यहाँ पे आपको 343 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाती है विथ ऑल सीट्स अप में। बट अगर जैसे ही आप यहाँ पे इसका थर्ड रो को डाउन करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप से रियर सीट को डाउन कर सकते हैं थर्ड रो को। एंड जब आप इसके सेकंड रो को भी डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 1343 लीटर का बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी ने प्रोवाइड करके दिया है आपको। बात करो तो यहाँ पे आपको रियर में कुछ इस टाइप में बूट में आपको एक लाइट मिल जाती है, यहाँ पे कुछ ट्विंग हुक वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियर में भी पावर सॉकेट वगैरह मिल जाती है। तो अगर आप इस यहाँ पे टायर वगैरह में टायर इन्फ्लेटर वगैरह यूज करते हैं या फिर क्लीनिंग का कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं तो यहाँ से आप पावर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियर में स्पीकर भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको उसका कुछ टूल किट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेयर व्हील खोलने के लिए यहाँ पे इसका नेट वगैरह प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिसेंट स्पेस भी मिल जाती है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ अपने फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। तो बात करूं इस साइड में तो यहाँ पे आपको 75 लीटर का डीजल टैंक मिल जाती है एंड उसी के साथ यहाँ पे 20 लीटर का डेफ टैंक भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको पैसेंजर डोर हैंडल में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाती है। चलिए इसका बोनेट ओपन करके आपको इंजन दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से कुछ बोनेट ओपनिंग होते हैं, यहाँ पे फुली हाइड्रोलिक आपको मिलती है, थोड़ा भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप इंजन का लुक देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे साउंड डैम्पिंग मटेरियल्स का यूज किया गया है ताकि कैबिन में इंजन नॉइस को बिल्कुल भी कम कर दे। एंड यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से इंजन आपको प्लेस की गई है, तो यहाँ पे एमजी का लोगो एंड यहाँ पे ट्विन टर्बो, तो बेसिकली ये ट्विन टर्बो इंजन है। तो ये है ऑल न्यू 2 लीटर ट्विन टर्बो 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 215.5 bhp पावर का 4000 आरपीएम पे एंड 478.5 न्यूटन मीटर टॉर्क 2400 आरपीएम पे। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाती है एंड इसमें ऑटोमेटिक 8 गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है विथ पैडल शिफ्टर, स्पोर्ट्स मोड का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक और इंजन ऑप्शन आपको मिल जाती है जो कि 2 लीटर टर्बो 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 161 bhp पावर एट द रेट ऑफ 4000 आरपीएम पे एंड 373.5 न्यूटन मीटर टॉर्क 2400 आरपीएम पे। एंड इसमें भी आपको 8 ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एंड ये इंजन सिर्फ और सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये 4 व्हील ड्राइव है, इसलिए इसमें ट्विन टर्बो यहाँ पे आप इंजन में देखेंगे मेंशन किया गया है। तो चलिए इसका बोनेट को क्लोज करते हैं और अंदर की ओर चलते हैं। तो काफी इजी है बोनेट को क्लोज करना भी और ओपन करना भी। तो चलिए इसके ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो काफी वाइड ओपनिंग है इस डोर में, तो आपको एंट्री और एग्जिट लेते वक्त बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर फिनिश के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है जो इस गाड़ी को बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाती है। यहाँ पे कुछ स्टिचेस का स्टाइल भी देख सकते हैं, काफी प्रीमियम लग रहा है। एंड यहाँ पे कुछ ब्लैक फिनिश के साथ कुछ पैटर्न्स दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टील टच के साथ साथ यहाँ पे डोर हैंडल दी गई है जो कि इस जो लाइनिंग को कैरी फॉरवर्ड करके आगे तक ले गया है। तो तो काफी खूबसूरत मटेरियल, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। एंड यहाँ पे कुछ डोर हैंडल आपको इस टाइप का भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे पावर विंडोज की कंट्रोल से ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फीचर्स के साथ आती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको स्पीकर भी प्लेस है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगी बड़ा साइज का। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं, इससे आप अपनी फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप विंडोज देख सकते हैं, काफी बड़ी साइज का है, तो जो बाहर का विजिबिलिटी है आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। एंड कैबिन में आपको लाइट की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एमजी की इसका प्लेट आपको मिलेगी, जो कि अगेन एक स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड की गई है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे लेदर टच अपहोस्ट्री आपको मिलेगी, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। आप इसको वन टच के साथ आगे और पीछे हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, रिक्लाइनिंग एंगल भी चेंज कर सकते हैं। विथ यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको दो मेमोरी फंक्शन भी मिल जाएगी। एंड उसी के साथ ये सीट वेंटिलेटेड भी है, हीटिंग एंड कोल्ड का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। तो एंट्री लेने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ग्रैब हैंडल मिल जाएगी, तो एंट्री लेते वक्त आपको इसको इन आउट करने के लिए बहुत आसान होगा। आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको एंट्री लेना होगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का एसी वेंट्स आपको मिल जाएगी, जो कि अगेन डुअल टोन फिनिश के साथ है। यहाँ पे अभी आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश के साथ यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है गाड़ी में। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइट लेवल एडजस्टर भी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे ORVM का कंट्रोलर्स आपको मिल जाता है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ स्टोरेज के लिए कुछ स्पेस प्रोवाइड की गए हैं। यहाँ पे आप अपने कीज वगैरह भी रख सकते हैं या फिर वैलेट वगैरह कुछ भी। एंड यहाँ पे आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं इस लेवर से। चूंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे सिर्फ दो पेडल आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको डेड पेडल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड का लुक लगता है, काफी प्रीमियम लुक लगेगा आपको। बहुत ही महंगी और बहुत ही बल्की गाड़ी आपको ऐसे देखने में लगेगी, और कोई इस सेगमेंट में और दूसरा कोई भी गाड़ी ऐसा लग्जरियस कैबिन आपको ऑफर नहीं करती है, चाहे आप बात कर लो फॉर्च्यूनर या फिर कोई भी अदर कंपनीज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरा जो है ये लेदर रैप्ड है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ यूज किया गया है। एंड स्टिचिंग का आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफी वेल फिनिश्ड है। एंड फिटिंग फिनिश का आपको इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में आपको स्पीकर मिल जाती है। एंड कुछ इस टाइप का आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाती है। यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड की गई है एमजी की तरफ से। एंड इसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो पैडल शिफ्टर मिलेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ वॉशर की कंट्रोल मिल जाती है। एंड यहाँ पे कुछ लाइटिंग की कंट्रोल मिल जाती है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको अवेलेबल है। एंड इस गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आती है, तो सामने कोई भी व्हीकल है तो इस गाड़ी ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसको स्पीड को कम या ज्यादा कर सकती है। एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग भी लगा सकती है अगर सामने कोई भी अचानक से ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स भर भर के आती है इस गाड़ी में। एंड इसमें वॉइस कंट्रोल का भी फीचर्स आपको मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोलर्स आपको मिल जाती है। फोन रिसिप्ट एंड कट करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाती है। एंड ये फुल्ली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी अगेन ब्लैक के साथ साथ रेड स्टिचिंग का भी यहाँ पे काम किया गया है, जो एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली काफी प्रीमियम आपका जो इसका स्टीयरिंग व्हील लगेगा, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको MID आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन डिजिटल एंड एनालॉग दोनों के ऑप्शन के साथ आती है। काफी प्रीमियम लगेगी, यहाँ से आप बहुत सारी चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फ्यूल रेंज शो हो रहा है। अगेन यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन भी शो होती है। यहाँ पे अभी स्पीड है एंड यहाँ पे देखिए एवरेज फ्यूल आफ्टर चार्ज, ट्रेवल टाइम, एवरेज स्पीड, बहुत सारी चीज ऐसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप हर एक टायर का एग्जैक्ट प्रेशर भी देख सकते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे बैटरी का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि अभी आपकी जो बैटरी है कितनी % चार्ज है, क्या है, आप बहुत सारा चीज डाटा यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मेंटेनेंस डिस्टेंस भी आपको दिखा रहा है कि और कितने किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पे मेंटेनेंस करवाना है गाड़ी को, जो कि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे फ्यूल रेंज भी आपको दिखा रहा है कि आपकी जो गाड़ी में फ्यूल है उससे आप कितने दूर तक गाड़ी को ले जा सकते हैं। एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन, जो अभी आप अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो अभी आपका जो फ्यूल है वो कितना कंजप्शन हो रहा है। एंड इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे RPM मीटर है, जो कि एनालॉग है। एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर भी मिल जाती है, जो कि अगेन यहाँ पे भी एनालॉग है। और इसके साथ साथ आप डिजिटल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 12.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है जो सपोर्ट करता है वायरलेस, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका प्लेसमेंट है वो अप की ओर है, तो जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन इस पे नहीं पड़ेगा, तो जिसके कारण इसका जो विजिबिलिटी है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा एंड काफी प्रीमियम लुक लग के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपर्पस, यहाँ पे नेविगेशन है, वेदर है, म्यूजिक, एसी को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं हाई लो, क्योंकि ये डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप अपने पैसेंजर साइड का भी एसी को अप एंड डाउन कर सकते हैं एंड ड्राइवर साइड का भी। उसी के साथ यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाती है, यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए। आप यहीं से रियर साइड का भी वेंटिलेटेड सीट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस गाड़ी में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही साइड आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको देखिए आउटसाइड टेम्परेचर भी यहाँ पे शो हो रही है, साथ साथ यहाँ पे देखिए 360 डिग्री कैमरा का भी आपको मिल जाएगी एंड कैमरा क्वालिटी है क्वाइट एनफ है। आप इससे अंदाजा लगा करके गाड़ी को पार्किंग में बहुत ज्यादा इनहेंस कर देती है। कहीं पे आपको जहाँ पे टाइट पार्किंग है तो वहां से भी आप इजिली निकाल सकते हैं गाड़ी को एंड इजिली पार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2D 3D एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजों से आप चेक कर सकते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे आप अपने फोन कनेक्ट करके बहुत सारे 80+ फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए वेलकम लाइट का भी फीचर्स है, 30 सेकेंड्स 60 सेकेंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जो आपकी जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये जो प्रोजेक्टर लाइट है लोगो है वो ग्लो हो जाएगा एंड यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं ऑन ऑफ 30 सेकेंड 60 सेकेंड 90 सेकेंड। एंड यहाँ पे कुछ लॉक की सेंटर्स आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक लॉक व्हेन ड्राइविंग, जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक व्हेन इग्निशन ऑफ, अगर इग्निशन ऑफ करेंगे तो ये गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगी। लॉक फीडबैक के लिए आपको यहाँ पे हॉर्न प्लेस होगी, ये भी कर सकते हैं। की अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे देखिए और डोर्स को ओपन करना है या फिर ड्राइवर्स डोर, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। कीलेस ऑटोमेटिक अनलॉकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, कीलेस एंट्री के थ्रू में आप ऑल डोर्स कर सकते हैं या फिर सिर्फ ड्राइवर डोर को भी। यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी, यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर को भी आप मेमोरी फंक्शन के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो लोग गाड़ी चलाते हैं, दो भाई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सीट को साथ ही साथ ओवरव्यू को भी सेट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में, एक टच में आपका सीट एंड बोथ ओवरव्यू भी एडजस्ट हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे देखिए रियर व्यू मिरर, रिवर्सिंग ऑटोमेटिकली, रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी, यहाँ पे बहुत सारा चीज सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सनरूफ भी है, तो सनरूफ 1 बटन से ओपन होगा नहीं क्लोज होगा, ये भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का भी यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ऑन है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको टायर सेटिंग्स भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑल 4 व्हील का जो टायर का जो प्रेशर है वो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे एग्जैक्ट देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए क्या है, ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, यहाँ पे आप ब्लाइंड जोन प्लस लेन चेंजिंग असिस्ट ऑन है। यहाँ पे डोर ओपन वार्निंग, रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये सारा कुछ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, फैटिक रिमाइंडर, लैंड डिपार्चर वार्निंग, पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, बहुत सारा आपको इसमें फीचर्स आपको मिल जाती है जो कि एडास लेवल 1 में आती है। तो ये है 10.23 इंच का टच स्क्रीन मल्टीपर्पज टच। उसी के साथ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है जो कि बहुत ही प्यारा लुक में है। एंड यहाँ पे आपको सेंटर में आपको इमरजेंसी लाइट के बटन मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से आप रियर का भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसी के नीचे पे यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा फिनिश में सॉफ्ट टच के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टोरेज आपको मिल जाती है। आप अपने फोन्स वगैरह को रख के चार्जिंग पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की सॉकेट मिल जाती है। एंड अगेन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग, कैमरा चार्जिंग के लिए अगेन USB पोर्ट भी मिल जाती है जो कि काफी सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं 1 टच में ये बहुत ही स्लो ओपनिंग हो रहा है, बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जरी लग रही है। आप एक बार फिर से चेक करें तो बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही स्मूथ है। एंड उसी के साथ यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है, स्टिचिंग आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको गियर नॉब मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड आपको मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का, पार्किंग, फोर व्हील ड्राइव, हिल डिसेंट कंट्रोल, बहुत सारे चीज उसका यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकिया हैं, आप ऑफ रोडिंग करना बहुत पसंद है, तो आप इस गाड़ी से बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इनबिल्ड है इस गाड़ी में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको मोड्स मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे सैंड मोड, रॉक मोड, स्पोर्ट्स मोड, स्नो मोड एंड इको मोड। यहाँ पे ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए इको मोड सिलेक्टेड, ये इको मोड हो गया। यहाँ से आपको रेंज बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर अगेन यहाँ से देखिए रॉक मोड सिलेक्टेड, फिर यहाँ से अगेन सैंड मोड सिलेक्टेड, यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले शो होगा सैंड मोड का। एंड अगेन यहाँ से मड मोड सिलेक्टेड हो गया है। एंड यहाँ पे देखिए स्नो मोड भी है। एंड यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मोड है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑटोमेटिक मोड में छोड़ देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रैक्शन को सेंस करके ऑटोमेटिक मोड चेंज कर सकती है। तो काफी अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पे आपको हिल होल्ड कंट्रोल के भी बटन आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर मिल जाती है जो कि अगेन स्टील फिनिश के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कार्बन फाइबर का जैसा याद दिलाएगी, तो बहुत ही प्यारा है। एंड यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक फिनिश का बहुत सारा काम किया। यहाँ पे आपको दोनों बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड के लिए आर्मरेस्ट मिल जाएगी जो कि अगेन यहाँ पे स्टोरेज फंक्शन के साथ अवेलेबल है। आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कितना ह्यूज आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ ये कूलिंग फीचर्स के साथ भी आती है। चलिए इसको बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी लेदर फिनिश के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। स्टिचिंग आप देख सकते हैं पूरे सीट में चारों तरफ यही पैटर्न यूज किया गया है। बात कर लूं यहाँ पे सेंटर पे, तो ये ऑटोमेटिक एआरवीएम मिल जाती है ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ। तो ड्राइवर साइड में आपको सन वाइजर मिल जाती है जो कि अगेन यहाँ पे इल्यूमिनेटेड मिरर के साथ में आती है। यहाँ पे आपको लाइटिंग भी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा ऑटोमेटिक लाइटिंग है इसमें मिलती है आपको। साथ साथ यहाँ पे आपको सॉफ्ट ग्रैब हैंडल मिल जाती है। एंड आपको बोथ पैसेंजर साइड में आपको सन वाइजर मिल जाती है लाइटिंग मिरर के साथ में। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का रीडिंग लैंप मिल जाती है, बहुत ही प्यारा सा एलईडी है आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन पियानो फिनिश के साथ में आपको पूरा टेक्सचर बना गया है। यहाँ पे आपको वॉइस कंट्रोल के लिए माइक वगैरह लगा हुआ है। तो साथ ही साथ आप यहाँ से भी अपने टेल गेट को ओपन कर सकते हैं, बस एक टच में तरीके से ओपन हो रहा है। एंड आप यहीं से वन टच से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गाड़ी प्रीमियम है। तो अगर आप शॉपिंग में जाते हैं तो जो भी आपका शॉपकीपर है, जो भी आपके स्टाफ होंगे, वो आपकी बूट में ऑटोमेटिक लाके आपके सामान को रख देंगे। तो जस्ट आपको गाड़ी के अंदर ही रह करके ऑपरेट करना, आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी में जो सबसे खास बात है, यहाँ पे आपको डुअल पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। सनरूफ की कंट्रोलर्स आपको कुछ यहाँ से मिलती है। यहाँ पे सिर्फ अगर आपको सिर्फ कर्टेन खोलना है तो यहाँ पे इस बटन के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ इसका कर्टेन को जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कितना ज्यादा लाइट एंटर होता है जब आप इसका कर्टेन को ओपन करेंगे। ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है। एंड इस बटन से आप जो है फ्रंट का जो इसका है आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं ताकि अगर यहाँ से एयर वगैरह आना रहे तो यहाँ से आ सके। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा साइज जो है इसका पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो रहा है। काफी मैसिव, बहुत ही बड़ा साइज है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लोग बहुत ही इजिली तरीके से यहाँ पे बाहर आ सकते हैं एंड नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकिया हैं और अगर आप पैनोरामिक सनरूफ के शौकिया हैं तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। बहुत ही वाइड ओपनिंग है इस गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप का लुक लग रहा है गाड़ी में जब आप बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही प्यारा ग्लव बॉक्स मिल जाती है। एंड ये भी जो मटेरियल है हार्ड टॉप मटेरियल का यूज किया गया है यहाँ पे। तो चलिए इसका सेकंड रो में चल के दिखाते हैं, वहां पे आपको कितना ज्यादा स्पेस मिलता है। तो रियर साइड डोर को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको ट्विटर का प्लेसमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाती है। एंड सेम कलर का आपको यहाँ पे भी अगेन डोर हैंडल मिल जाती है, ये भी काफी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। एंड उसी के नीचे यहाँ पे पावर विंडोज की कंट्रोलर है, ये भी वन टच ऑटोमेटिक डाउन एंड वन टच आपका भी फीचर्स इसमें मिल जाती है आपको। यहाँ पे कुछ बोतल होल्डर मिल जाएगी एंड मैगजीन होल्डर। यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पे अगेन एमजी का स्कैपुलेट मिल जाती है जो कि सेम है, एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। एंड उसी के साथ यहाँ पे एंट्री के लिए ग्रैब हैंडल है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कैप्टन सीट आपको मिलती है। ये बेसिकली 6 सीटर वेरियंट है, इसमें आपको मिडिल में दो कैप्टन सीट अवेलेबल है, साथ साथ वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन आपको मिलती है। तो एंटे कुछ आपको इस टाइप से लेना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लेदर अपोस्ट्री मिलेगी, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेस है, लेग स्पेस बहुत ही ज्यादा भर के मिलेगा आपको यहाँ पे। इसी के साथ आपको इसमें दोनों ही सीट में आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आर्मरेस्ट आपको मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिडिल सीट भी आपको मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप रिक्लाइन एंगल एंड इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। तो जिसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस को और ज्यादा बढ़ा घटा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर में भी आपको एसी के कंट्रोलर्स मिल जाती हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको जो है रियर का ऐसे वेंट्स आपको मिलता है आपके रूफ के ऊपर में। तो काफी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। कैबिन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी एसी बहुत ज्यादा फास्ट करती है, चूंकि ये डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। तो यहाँ से भी आप अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पिलर में भी एयर बैग आपको कुछ मिल जाएगी एंड कुछ इस टाइप से आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए इसका रियर सीट में चल के दिखाते हैं आपको वहां पे कितना ज्यादा स्पेस मिलता है। तो मैं इस सीट को अपने अकॉर्डिंग पहले सेट कर लेता हूँ। देखिए उसके बाद भी मुझे इतना ज्यादा स्पेस मिल रहा है, तो मैं इसमें कंफर्टेबली इस सीट को एडजस्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं अपने हाइट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से सीट को एडजस्ट किया हूँ। अब चल के दिखाते हैं पीछे मुझे कितना ज्यादा स्पेस मिलता है। तो पीछे जाने के लिए सिंपली आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो रियर सीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे कितना ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो इस गाड़ी में स्पेस का बिल्कुल भी कमी नहीं दिखेगा, क्योंकि और सब गाड़ियों में होता है क्या कि रियर सीट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता। बट मेरा हाइट है 5'11", मुझे अभी भी कितना ज्यादा हेडरूम मुझे मिल रही है। एंड साथ ही साथ लेग रूम भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्वाइट एनफ है। तो आप लंबे ड्यूरेशन के लिए भी जाएंगे, आपको सीट से रिलेटेड कोई भी अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होगी। साथ साथ यहाँ पे तो हार्ड टच मटेरियल का यूज किया है। एंड यहाँ पे अगेन कप होल्डर भी आपको दी गई है। एंड वहीं पे आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगी। तो अगर आप अपने फोन वगैरह चार्जिंग करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे कुछ टूइंग हुक वगैरह आपको मिल जाता है। एंड काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे विंडोज मिल जाती है। तो अगर आप बाहर का नजारा पे यहाँ पे देख सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर जो भी यहाँ पे बैठेंगे तो उनको भी सफोकेशन फील नहीं होगा। यहाँ से लाइट भी एंटर होगी एंड यहाँ से नजारा भी बहुत अच्छा खासा आपको मिलेगा। एंड यहीं पे आपको म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर भी मिल जाती है। तो बेसिकली इस गाड़ी में टोटल 12 प्लस स्पीकर इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे रियर सीट के लिए अगेन यहाँ पे एसी वेंट्स अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो रियर में भी आपको एसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर पे दो एम्बिएंट लाइट का भी ऑप्शन है। तो आप इसको अच्छे तरीके से मूड को चेंज कर सकते हैं, पूरे कार के मूड को। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्लेस की गई है। तो बात करूँ सीटिंग कैपेसिटी का, तो यहाँ पे दो लोग बहुत ही आराम तरीके से बैठ सकते हैं यहाँ पे। एंड दोनों के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कोई चाइल्ड वगैरह भी बैठा सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंप्लीट 3 आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट अगर आप कंफर्ट जर्नी करना चाहें तो यहाँ पे बेसिकली 2 ही लोग बैठेंगे, क्योंकि ये 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है। एंड आपको मिडिल सीट में यहाँ पे कुछ इस टाइप के आपके कप होल्डर मिल जाती है, जो कि काफी खूबसूरत तरीके से प्लेस किया गया है। ये हिडन है, तो आप आपको 1 टच से इसको ओपन कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जस्ट सिंपल आपको 1 टच प्रेस करना है एंड ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ओपन होती है। एंड यहाँ से आप कैबिन को कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम लग्जरी गाड़ी है ये। इसका डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं लास्ट रो से किस हिसाब से दिखती है। एंड इसका सनरूफ भी देख सकते हैं कितना बड़ा ओपनिंग है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं काफी वाइड ओपनिंग है। यहाँ से गाड़ी का कुछ नजारा कुछ इस टाइप से आपको दिखती है। तो बात करूं इसकी सेफ्टी फीचर्स में, तो इसमें आपको ड्यूअल फ्रंट साइड फुल लेंथ कर्टन एयरबैग्स मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल मूवमेंट इंटरवेंशन, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, एबीएस विद ईबीडी विद ब्रेक असिस्ट, रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपनिंग वार्निंग, 360 अराउंड व्यू कैमरा, ड्राइवर फैटिग रिमाइंडर सिस्टम, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर, हीटेड ओआरवीएम, रियर डिफोगर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, स्पीड वार्निंग अलर्ट, 3-point seat belt for all passengers, driver and co-driver double stage pre-tightening safety belt, front driver and co-driver seat belt reminder, जैसे इसमें आपको फीचर्स मिल जाती हैं। तो जो आप मेरे सामने मॉडल देख रहे हैं ये MG Gloster ब्लैक स्टॉर्म 6 सीटर वेरिएंट है। साथ ही साथ इसका सेम आपको 7 सीटर वेरिएंट भी मिल जाएगी। एंड इसकी एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर लूँ तो ये गाड़ी आती है 43,86,600 एक्स शोरूम प्राइस, एंड इसी प्राइस में आपको 7 सीटर वेरिएंट भी मिल जाएगी। एंड बात करूं ऑफर्स के बारे में, तो इस गाड़ी में ये जो 2024 मॉडल है तो इसमें आपको 25,000 तक का कॉर्पोरेट बोनस मिल जाएगी आपको, एंड साथ ही साथ 20,000 का आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगी। बट अगर मैं बात कर लूं इसका 2023 मॉडल का, तो अगर आप इसका 2023 मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 1.5 लाख तक डिस्काउंट मिल जाती है, एंड साथ ही साथ 1 लाख का आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगी। तो अगर आप पुराने गाड़ियों से एक्सचेंज करते हैं तो आपको 1 लाख तक का बोनस मिल जाती है, एंड साथ ही साथ आपको 25,000 का कॉर्पोरेट बोनस भी डिस्काउंट मिल जाती है। तो अगर आप इसके जस्ट 2023 का वेरिएंट लेते हैं तो आपको मोटा मोटी 2.5 लाख तक डिस्काउंट मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा डील है। तो अगर आप इस डील को क्रैक करना चाहता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं सिंघानिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, गोविंदपुर, धनबाद में। तो मैं इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये गाड़ी, स्पेशली इसके फीचर्स कैसा लगा? तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये फॉर्च्यूनर से कहीं ज्यादा ऊपर है, बट फॉर्च्यूनर की प्राइस में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वाकई में ये फॉर्च्यूनर से बेटर है कि या नहीं। इसमें कौन सा फीचर आपको ज्यादा अच्छा लगा, और इसका बेसिकली ये ब्लैक कलर आपको कैसा लगा, एंड बेसिकली इसका जो रेड एलिमेंट है वो कैसा लगा? तो आप मुझे सारा कुछ कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, अब तक जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए तो यार जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।